हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं महिंद्रा बोलेरो और मारुति सुजुकी अर्टिगा के बीच में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इस गाड़ी की पूरी फीचर्स को और आपको लास्ट में कंक्लूजन बताएंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए होगी सही। तो आप इस वीडियो का कंक्लूजन प्लीज़ देखिएगा क्योंकि उसके बिना आपको ये चीज़ें नहीं समझ आने वाली हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करें डिज़ाइन के साथ, और अगर आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर ऑटो कंपेयर को सब्सक्राइब करना प्रेफर करें। तो सबसे पहले मैं बोलेरो की बात करूँ तो दोस्तों ये जो बोलेरो है ये एक एसयूवी डिज़ाइन गाड़ी है, और जो अर्टिगा है ये एक एमयूवी डिज़ाइन गाड़ी है। यहाँ पर सबसे पहले डायमेंशंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लंबाई के मामले में अर्टिगा ज़्यादा लंबी है बोलेरो से। चौड़ाई के मामले में आपको 10 mm ज़्यादा चौड़ा देखने को मिलता है बोलेरो एज कम्पेयर टू अर्टिगा। और हाइट की मैं बात कर रहा हूँ तो हाइट आपको बोलेरो में ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू अर्टिगा। ओवरऑल 7 लोग काफ़ी आराम के साथ दोनों ही गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं। दोस्तों अगर हम डिज़ाइन के हिसाब से बात करें तो जो बोलेरो है ये एक परफेक्ट एसयूवी गाड़ी है। मतलब कि अगर रास्ते वगैरह ख़राब हैं, आप गांव में गाड़ी चलाते हैं, बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला रास्ता है, रास्ता कच्चा है, तो उन सभी रास्तों पे बोलेरो नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। वहीं बात करें अर्टिगा की तो दोस्तों ये भी एक काफ़ी ज़्यादा ठोस गाड़ी है, लेकिन अगर हम इसमें ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ख़राब रास्तों पे चलने की सिचुएशन जहाँ तक बात आती है, तो उस सिचुएशन में ये बोलेरो कम्पीट नहीं कर पाएगी। ओवरऑल लुक्स जो है यहाँ पर अर्टिगा का थोड़ा नया लगता है। खैर आपको लुक के मामले में कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है ये आपका डिसीजन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम किस मॉडल के बीच कंपेयर करेंगे, तो हमने लिया है आज बोलेरो का BX OPT मॉडल कंपेयर करने के लिए, और अर्टिगा का लिया है ZXI मॉडल। यहाँ पर बोलेरो का यहाँ पे कीमत है 9 लाख रुपये और अर्टिगा का कीमत है 9,17,000 रुपये। अब दोस्तों सबसे पहले बात करें हम लोग इंजन्स की, तो आपको यहाँ पर बोलेरो के यहाँ पर आपको BX6 OPT मॉडल में देखने को मिलता है 1.5 लीटर का MHOG D75 इंजन। दोस्तों ये एक 1497 सीसी का इंजन है जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। दोस्तों ये जनरेट करता है 75 BHP का पावर विद अ टॉर्क ऑफ 210 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये गाड़ी 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। बात करें अर्टिगा की तो दोस्तों इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड इंजन। दोस्तों ये एक मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको 1462 cc का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है जो कि जनरेट करता है 103.26 BHP का पावर विद अ टॉर्क ऑफ 138 न्यूटन मीटर टॉर्क। यहाँ पर ये भी गाड़ी 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। अब दोस्तों हम इंजन को कंपेयर करें तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कौन सी गाड़ी ज़्यादा पावर जनरेट कर रही है, तो वो है अर्टिगा। लेकिन हम टॉर्क की अगर बात कर रहे हैं तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, तो वो है बोलेरो। यहाँ पर हम गाड़ी के अंदर की तरफ चलें तो दोस्तों देखिए बोलेरो का आप कोई भी मॉडल लोगे आपको कोई टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम इन दो बीच मॉडल की कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों ही मॉडल्स में आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा। MP3 सिस्टम, 4 स्पीकर, ब्लूटूथ सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आप अर्टिगा का ऊपर का मॉडल लेते हो जो कि 11 लाख के आसपास आएगी, उसमें आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जबकि बोलेरो में आपको ये नहीं दिया गया है। लेकिन बोलेरो का कीमत भी कम है, ये भी आप यहाँ पर कंसाइडर कीजिएगा। अभी आप ये बोलेरो का टॉप मॉडल ही देख रहे हैं। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर इस गाड़ी की फीचर्स के मामले में तो दोस्तों देखिए दोनों ही गाड़ी में पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, फ्रंट एंड रियर दिया गया है। आपको यहाँ पर बोलेरो में मैन्युअली कंट्रोल्ड AC देखने को मिलता है, वहीं आपको जो अर्टिगा में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बोलेरो में इस मॉडल में रिमोट फ्यूड लिड ओपनर देखने को मिलता है जबकि अर्टिगा में नहीं दिया गया है। रियर पार्किंग के सेंसर्स दोनों गाड़ी में दिया गया है, AC हीटर दोनों गाड़ी में दिया गया है। हालांकि एडजस्टेबल स्टीयरिंग आपको अर्टिगा में दिया गया है लेकिन बोलेरो को इस मॉडल में मिसिंग है। अब दोस्तों बात करें माइलेज, मतलब कि अगर आप कमर्शियल पर्पज पे चलाने जाते हैं या फिर घर में ही रखना चाहते हैं तो माइलेज सबसे बड़ा यहाँ पर रोल अदा करता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा फर्क ये है कि यार देखिए जो बोलेरो है यह सिर्फ डीजल ऑप्शन में आता है, और जो अर्टिगा है वो सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन में आता है, और एक और ऑप्शन है अर्टिगा में आपको CNG में देखने को मिल जाता है। तो खैर बात करें पेट्रोल की माइलेज की तो यहाँ पर मैं आपको यूज़र के हिसाब से आइडिया देता हूँ। जो बोलेरो है हमने बात किया है यहाँ पर, जो लोग कॉमर्शियली से यूज़ करते हैं मतलब भर के चलाते हैं, उन्होंने बताया कि ये गाड़ी आपको 15 से लेके 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देगी ऑन डिपेंडिंग ड्राइविंग हैबिट्स।
बात करें अर्टिगा की, तो अर्टिगा में आपको 18 से लेके 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देखने को मिल जाता है ऑन डिपेंडिंग योर ड्राइविंग हैबिट्स, मतलब कि चलाने वाले पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम बात साफ साफ बोलें किसमें ज़्यादा बेहतर माइलेज देखने को मिलता है, तो ऑफकोर्स अर्टिगा में आपको ज़्यादा बेहतर माइलेज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम करती है इसका इंजन। यहाँ पर 60 लीटर का फ्यूल टैंक आपको बोलेरो में और 45 लीटर का फ्यूल टैंक आपको अर्टिगा में देखने को मिलता है। दोनों ही इंजन BS6 है। बात करें सेफ्टी वाइज, तो देखिए सेफ्टी के हिसाब से पहले मैं आपको वो फीचर बताता हूँ जो कि दोनों गाड़ी में सेम दिया गया है। उनका नाम कुछ इस प्रकार है, ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, साइड इन फ्रंट इंपैक्ट, एडजस्टेबल सीट्स, एंटी थेफ्ट डिवाइस, एंटी थेफ्ट अलार्म। यहाँ पर आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि महिंद्रा बोलेरो सिर्फ आपको एक ही एयरबैग ऑफर कर रही है जो कि ड्राइवर के लिए है, वहीं अर्टिगा भी आपको दो एयरबैग देती है जो कि ड्राइवर और पैसेंजर के लिए है। लेकिन यहाँ पर बोलेरो को मुझे समझ नहीं आया यार, यहाँ पर कंपनी को दो एयरबैग तो एटलीस्ट देना चाहिए था, 9 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट है, तो यार मस्त था यार, दो एयरबैग डालना चाहिए था। पता नहीं इसमें कंपनी ने क्यों दो एयरबैग नहीं दिया है, ये तो कंपनी ही जाने। अब दोस्तों ये हुआ हमारा कंपेरिजन पूरा, अब मेन मुद्दा आता है कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम इसके बारे में। अब दोस्तों देखिए, जो बोलेरो है, अगर आप कमर्शियल पर्पज से गाड़ी चलाना चाहते हैं, आप कुछ यहाँ पे अर्निंग करना चाहते हैं, घर पे भी गाड़ी चाहिए, तो नो डाउट बोलेरो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप गांव देहात में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स बोलेरो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको लग्जरी और प्रीमियमनेस फील हो, आप कहीं जाते हैं तो आपको ऐसा ना कोई समझे कि भाई आप मतलब सट्टे का गाड़ी लेके पहुंचे हो, तो वैसे लोगों के लिए अर्टिगा ज़्यादा अच्छी रहेगी। वैसे मैं अर्टिगा की अगर बात कर रहा हूँ तो वो काम नहीं कर पाएगी अर्टिगा जो बोलेरो कर सकती है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अरे भैया भरो 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 भरो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, अरे भैया ठीक है और जगह है और भर लो। मतलब ऐसा होता है बोलेरो के साथ कुछ, मतलब जितना चाहो उतना भरो और ठूसो निकल लो, मतलब कि अर्निंग के लिए परफेक्ट गाड़ी है। दोस्तों अगर आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो अगर आपको अपने एक परिवार के लिए गाड़ी चाहिए, अगर आपकी तरफ रास्ते ख़राब हैं, आप उनमें से गाड़ी चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं अपने परिवार के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए गाड़ी से, जैसे आप चाहते हैं आपकी गाड़ी बुकिंग पे चल जाए, उसमें भी आप पैसा कमा लें, मेंटेनेंस आपको बहुत कम देना है, मतलब आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते अपने गाड़ी के ऊपर, किसी भी रास्ते से निकल जाए, तो देन बोलेरो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि आपको लग्जरी फील दे, आप शहर में रहते हैं, आपके रास्ते बिल्कुल सही हैं, तो आप तब अर्टिगा ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में बता रहा हूँ, इंडिया के अधिकतर जगहों पे गड्ढे आपको खराब सड़क देखने को मिलते हैं। अब ये कड़वा सच है, इसको आप मानिए चाहे ना मानिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वरना अगर मैं अपने घर के हालात की बात करूँ तो मेरे हिसाब से बोलेरो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इंडियन की रोड कंडीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं तो। बगैर हल कौन सी गाड़ी आपको पसंद आ रही है ये आपके मैटर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करें ऑन रोड प्राइसिंग की, तो जो बोलेरो B6 ऑप्शन मॉडल है इसकी कीमत लगभग 10.5 लाख रुपये में आती है। वहीं बात करें अर्टिगा की, ZXI मॉडल आपको 10,30,000 रुपये के आसपास में आ जाती है। अब ये जो ऑन रोड कीमत है ये डिपेंड करता है आपके शहर के हिसाब से, हो सकता है आप किसी और शहर में रहते हो तो थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होता रहेगा। खैर आज की वीडियो को लेते हैं, आपको कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब ऑटोकॉम फॉर मोर।